आज पहली बार अमेज़ोन से कोजी कोयर के मैट्रेसेस मैंने ऑर्डर करे। ऑर्डर करने के कुछ ही दिन के अंदर ये मैट्रेसेस आ गए थे। खैर, ऑर्डर रिसीव करते हुए कि मैंने कोई वीडियो फुटेज नहीं बनाई थी अपने मोबाइल से, तो इसलिए सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेज थी उसके थ्रू आपको ये वीडियोज़ दिखा रहा हूँ मैं। पैकिंग बहुत अच्छी कर रखी है इन मैट्रेसेस की, और ये ज़रूरी भी है, नहीं तो कहीं ना कहीं से डैमेज हो सकते हैं क्योंकि ये एक नाजुक प्रोडक्ट है। मैं कोशिश करूंगा इसकी जो आउटर पैकेजिंग है उसको इस तरीके से खोलूं कि ये डैमेज ना हो, ताकि शिफ्टिंग के वक्त सेम पैकेजिंग काम आ जाए मैट्रेसेस को बचाने के लिए। इनका साइज़ भले ही काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन ये काफ़ी डेलिकेट चीज़ है और अक्सर शिफ्टिंग के दौरान पैकर्स एंड मूवर्स काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं ऐसी नाजुक आइटम्स को। पॉलीथिन में अच्छे से सील हो के आए मैट्रेसेस, और इसका एक वारंटी कार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है आपको। कॉर्नर्स को बचाने के लिए भी कार्डबोर्ड्स लगे हुए हैं, और कंपनी की ब्रांडिंग जगह जगह आपको देखने को मिल जाती है। इसके पॉली पैक को काफ़ी निहार लिया है, और फाइनली टेप हटा के इसकी ये वाली पैकेजिंग भी हटा के इन्हें बेड पे सेट करते हैं। गद्दों को ऑर्डर करने से पहले अपने बेड का साइज़ एक बार आप अच्छे से कंफर्म कर लेना। वैसे तो 6x3 फुट का स्टैंडर्ड साइज़ होता है, लेकिन कारपेंटर से जब आप बेड बनवाते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। कई बार कारपेंटर्स आउटर साइड से 6x3 मानते हैं, तो इसलिए 1-2 इंचेस का फ़र्क रहता ही है। मेरे केस में आप देख सकते हैं जो ये बेड है ये पूरा 6x3 का नहीं है, तो लेंथ में 6 फुट में 2 इंचेस कम है। और ये ज़रूरी है कि मैट्रेस का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हो आपके बेड के हिसाब से, थोड़ा बहुत भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैट्रेस अगर आपके बेड के हिसाब से छोटा होगा तो लेटने में बैठने में वो इधर उधर हिलता रहेगा, जिसके कारण उसका जो कवर है वो जल्दी घिस सकता है। और अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो मैट्रेस ठीक से फिट ही नहीं होगा, एजेस उसकी एक तरह से मशरूम की तरह ऊपर उठ जाएगी, तो उससे हो सकता है मैट्रेस डैमेज भी हो जाए, और इस तरह की चीज़ें वारंटी में कवर भी नहीं हो पाएंगी। इसका कलर भी मुझे काफ़ी पसंद आया है, वाइट बैकग्राउंड पे ग्रे कलर के फ्लावर्स हैं। ऑर्डर करते वक्त आपको अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, तो जो जो कलर्स अवेलेबल होंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप कंफर्म कर लें कि मैट्रेस का साइज़ आपके बेड के हिसाब से सही है और फिजिकली मैट्रेस अच्छी कंडीशन में हो, उसी के बाद जाके सारे टैग्स को हटाएं। मैट्रेस के कवर में अच्छा कुशन दिया हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट महसूस हो रहा है। मैट्रेस के कवर के कपड़े की क्वालिटी मैं मीडियम कहूँगा। इसकी किनारे पर जो पाइपिंग लगाई हुई है काफ़ी पसंद आई मुझे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और एक जगह तो खैर जॉइंट होना नॉर्मल है, लेकिन आइडियली मैट्रेस पे एक से ज़्यादा जॉइंट नहीं होना चाहिए इस पाइपिंग में, लेकिन कई बार छोटे पीसेस को यूज़ करने के लिए मल्टीपल जॉइंट्स दे दिए जाते हैं मैट्रेस पे, वो अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके लुक्स और क्वालिटी की तो हमने बात कर ली, अब इसके कम्फर्ट लेवल की अगर बात करें तो किसी भी मैट्रेस पर आप शॉर्ट टर्म में लेटते हैं तो हो सकता है कई लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस को पिक करें, और मेरे हिसाब से वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि आइडियली अच्छी मैट्रेस वो होती है जो आपकी बैक को अच्छा सपोर्ट दे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेसेस पे कई बार आपकी जो बैक है वो बेंड हो जाती है और बॉडी को आइडियल सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके कारण जब आप सुबह उठते हैं तो थकान महसूस होती है। और ये चीज़ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो पिछले मैट्रेसेस थे वो उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, बहुत पुराने थे वो और उनमें कुशन था ही नहीं, बहुत हार्ड हो चुके थे, जिसके कारण जब मैं सुबह उठता था तो फ्रेशनेस नहीं लगती थी, पूरा शरीर थकावा महसूस होता था। जब भी आपको बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा हो, नींद गहरी ना आए, और जनरली या दिन में आपको अगर थकान महसूस होती है, तो एक बार अपने मैट्रेस ज़रूर चेक करें। क्या डेली लाइफ में हम सब अपने काम में लगे रहते हैं और आराम पे ही ध्यान नहीं देते, और कई लोगों को जो नींद की दिक्कत होती है वो भी इसी कारण से होती है। मैट्रेसेस उनके कंफर्ट लेवल के हिसाब से नहीं होते, या तो ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेसेस पे वो सोते हैं या बहुत ही ज़्यादा हार्ड मैट्रेस पे। ये जो मैट्रेसेस मैंने आपको वीडियो में दिखाई है ये मीडियम फर्मनेस की है, तो ओवरली सॉफ्ट नहीं है, ओवरली हार्ड नहीं है। अगर आप इसी मैट्रेस को थोड़ा सा हार्ड बनाना चाहते हैं तो ऊपर की साइड ना सोके इसको पलट के आप नीचे की साइड से यूज़ कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा और फर्मनेस आपको देगा अगर उस तरीके का आपको कम्फर्ट लेवल पसंद है। अगर इसकी लॉन्ग टर्म रिव्यू की बात करें तो कई महीनों से मैं इन मैट्रेसेस को यूज़ कर रहा हूँ, और जानबूझ के मैं वीडियोस इसलिए थोड़ी सी डिले करके डालता हूँ, इनकेस किसी प्रोडक्ट में मैं कोई भी इश्यूज नोटिस करूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करते वक्त वो सारी चीज़ें मैं ऐड कर पाऊँ। तो आज तक मुझे किसी भी तरह की कमी नहीं महसूस हुई इसमें, बस मैट्रेस पे जहाँ पर हिप्स और थाइज आते हैं वहाँ बहुत हल्का सा डिप्रेशन मैंने नोटिस करा है, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे लगता है ये नॉर्मल है, और बल्कि फोटोज़ और वीडियोज़ में भी ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। इस तरह की चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए आप रेगुलरली मैट्रेस को रोटेट करते रहिए, आइडियली 2 से 3 महीने में एक बार ज़रूर रोटेट करें, इससे इस तरह की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन इस तरह की बारीकियाँ याद नहीं रह पाती है और प्रैक्टिकली ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरू में तो मैं रेगुलरली रोटेट करता था, लेकिन अब ज़्यादा ध्यान नहीं रहता मुझे, तो एक ही पोजीशन पे मैं यूज़ करता रहता हूँ मैट्रेस को, क्योंकि इस मैट्रेस में कॉयर का यूज़ करा है। पहले के वक्त में जो मैट्रेसेस आपको याद होंगे
कि नारियल का जो फाइबर होता है उसके मैट्रेसेस होते थे और उनकी लाइफ ज़्यादा होती थी। कंपनी ने उसी मटेरियल का यूज़ इस मैट्रेस में करा है जिसके कारण इसकी लाइफ लंबी होनी चाहिए। बाकी और लॉन्ग टर्म का अगर आपको रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के। एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं इस मैट्रेस के लिए तो सेलर की तरफ से आपको कॉल आती है और मैट्रेस का जो भी साइज़ आपने चूज़ करा होता है, जो भी कलर चूज़ करा होता है, वो सब कन्फर्म करा जाता है। ये चीज़ अच्छी रहती है ताकि किसी भी तरह के इश्यूज ना आए बाद में। और अगर बात करें इसकी कीमत की तो अमेज़ॉन से ये प्रोडक्ट आपको 5000 रुपये के आसपास का मिल जाना चाहिए। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इसको ख़रीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।